हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाइव सीमा क्लासेस इन कोलैबोरेशन विद सिटी मॉडल कॉलेज। क्लास 11th में हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 6, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले स्टडी करेंगे हम फोर्सेस के बारे में, कि कौन कौन से और किस तरह के फोर्सेस होते हैं। सबसे पहले देखते हैं फोर्स में। फोर्स में एक पहला टाइप का फोर्स है आपका फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स का मतलब है ऐसा कोई फोर्स जिसका कोई फील्ड होता है और वहां पर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं तो उस फोर्स को वो एक्सपीरियंस करता है। यानी यहां पर कोई दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में हों या ना हो, वो किसी एक सर्टेन फील्ड में आती हैं तो उनके ऊपर कोई फोर्स वर्क करने लगता है। जैसे कि आपका नो कॉन्टेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज नेसेसरी, यानी किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का कोई कांटेक्ट उनके बीच में हो ऐसा जरूरी नहीं है इस फोर्सेस के लिए। जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स में क्या है, कोई ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट के फार्थेस्ट डिस्टेंस पे, यानी किसी डिस्टेंस पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होता है जो आपस में कांटेक्ट में नहीं होते, उसके बावजूद भी उनके बीच में कोई फोर्स लगता है, जैसा कि हम ग्रेविटेशन फोर्स में देखते हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स आपका फील्ड फोर्स हो गया। इसमें एक दूसरा ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट के नियर बाय यदि आता है या किसी सर्टेन डिस्टेंस पे होता है तो वहां पर उनके बीच में एक फोर्स वर्क करता है। जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ये हमेशा बॉडीज को अट्रैक्ट करता है। इसी तरह का दूसरा फोर्स इसी फील्ड फोर्स में एग्जाम्पल है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी जब दो चार्जेस एक दूसरे के नियर बाय होते हैं, यानी एक दूसरे के फील्ड में होते हैं, तो वो एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी हो सकता है। वहीं जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये भी फील्ड फोर्स है, लेकिन ये सिर्फ अट्रैक्शन का होता है। फिर हम देखते हैं सेंट्रल फोर्सेस कैसे कहते हैं। सेंट्रल फोर्सेस में अभी जो हमने पहले फोर्सेस देखे दोनों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स, ये दोनों ही सेंट्रल फोर्सेस हैं। उसका रीजन ये है कि आप यहाँ पे डिफिनेशन देखेंगे तो इफ ए पोजिशन डिपेंडेंट फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज सेड टू बी सेंट्रल अदरवाइज नॉन सेंट्रल। जैसे कि हम ग्रेविटेशन फोर्स में भी देखते हैं कि कोई बॉडीज हैं, यदि वो बॉडीज किसी सर्टेन पॉइंट पर हैं और उनके बीच की एक सर्टेन डिस्टेंस होती है तो वहां पर एक ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स फील्ड फोर्स तो है ही, साथ साथ में पोजीशन पे भी डिपेंड करता है कि उनकी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है। तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है जो कि पोजीशन डिपेंडेंट है और हमेशा डायरेक्ट करता है टूवर्ड्स, या तो ये अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे की ओर, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के अलोंग द लाइन, इन दोनों बॉडीज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ये फोर्स लगता है और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। यानी ये फोर्स एक टूवर्ड्स ए सर्टेन पॉइंट की तरफ हमेशा लग रहा है, तो इसीलिए इस फोर्स को भी हम लोग सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि जब कभी भी कोई फोर्स डायरेक्टेड होगा टूवर्ड्स और अवे, जैसे ये जो फोर्स है ये टूवर्ड्स है, यानी ये फोर्स ग्रेविटेशन का फोर्स टूवर्ड द सेंटर लग रहा है, यहां पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स टूवर्ड द सेंटर पॉइंट लग रहा है, तो ये आपका जो फोर्स है टूवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट है, इसलिए इसको हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ऐसे ही पॉजिटिव चार्जेस हों या कोई नेगेटिव चार्जेस हों, उनके बीच में जो कोई फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी आपका अलोंग द लाइन लगता है, उन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। यदि पॉजिटिव चार्जेस हैं तो अवे लगता है, और यदि नेगेटिव चार्जेस हैं अपोजिट चार्जेस हैं तो टूवर्ड्स लगता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आपका सेंट्रल फोर्स हो गया और ग्रेविटेशन फोर्स भी आपका सेंट्रल फोर्स हो गया। ऐसे एक फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है, इफ अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स द वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप इज जीरो, द वर्क आई द वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट। यानी कोई ऐसा वर्क फोर्स लग रहा है जिसमें आप किसी बॉडी को पॉइंट ए से बी तक ले जाएं और वापस बी से ए तक ले आएं, यानी राउंड ट्रिप हो गई, जाने में और आने में ए से बी तक ले गए और बी से ए तक वापस ले गए। अब यदि इसमें टोटल वर्क यदि आपका जीरो हो जाता है तो इसका मतलब जो यहां पर फोर्स लग रहा है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है।
इस एग्जाम्पल में आपके कौन से हैं, इस एग्जाम्पल में ग्रेविटेशनल फोर्स भी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है। वो कैसे, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अगेंस्ट किसी हाइट तक हम ले जाते हैं और वहां से यदि वो वापस उसको लेकर आए तो जितना जाने में हमने फोर्स वर्क लगाया होता है उतना ही आते समय वर्क अपने आप हमको ऑब्टेन हो जाता है। तो जाते समय हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ा जबकि आते समय वो बॉडी अपने आप ही ग्रेविटेशनल फोर्स से आ गई। तो यहां पर जो वर्क यहां पर हमें पॉजिटिव का करना पड़ा तो उतना ही वर्क यहां पर नेगेटिव का हमको ऑप्टेन हो गया, तो टोटल वर्क यहां पर कितना हो गया, जीरो हो गया। तो इस तरह से ग्रेविटेशन फोर्स भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। ऐसे ही किसी दो चार्जेस के बीच में जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है और वहां पर भी किसी चार्जेस को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाते हैं तो वहां पर भी यदि हम ए से बी ले जाते हैं और बी से वापस ए पर लाते हैं तो टोटल वर्क हमारा जीरो रहता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। साथ साथ यहां पर एक बात और है कि वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट, यानी जब कभी किसी फोर्स के अंडर पर अंडर यदि हम कोई डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो वहां पर जो वर्क हो वो वर्क उस पाथ पे इंडिपेंडेंट, यानी किसी बॉडी को आप किस तरह से ले गए हैं इस पर डिपेंड नहीं करता हो तो वहां पर भी लगने वाला जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे किसी इंक्लाइनेशन पर हम किसी ब्लॉक को मूव कराना चाहें तो ये ब्लॉक एक तरह से ग्राउंड पर रखा है और इसको यदि हम यहां पर ले जाते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, और इसकी जो वर्टिकल हाइट इसने ऑप्टेन करी एच ऑप्टेन करी, तो जो वर्क यहां पर हमने किया और जो एनर्जी यहां पर स्टोर हुई वो हुई एम जी एच। ऐसे ही किसी ब्लॉक को जो फ्लोर पर रखा उसको वर्टिकल ऊपर ले जाए तो भी जो वर्क हमें करना पड़ा वो हो गया एम जी एच, यानी इस ब्लॉक को आप चाहे वर्टिकली ऊपर ले जाएं या इंक्लाइंड करके ऊपर ले जाएं, जो इसकी एनर्जी का डिपेंडेंट है वो नेट डिस्प्लेसमेंट पे ही डिपेंड है, ना कि इसके पाथ पर कि आप इस पाथ से इसको ऊपर क्यों ले जा रहे हैं या इस पाथ से ऊपर क्यों ले जा रहे हैं। जो वर्क है वो सिर्फ उसकी फाइनल और इनिशियल पोजिशन पे ही डिपेंड कर रहा है कि स्टार्टिंग में वो ग्राउंड पर है और फाइनली वो एच हाइट ऊपर है। तो इस तरह से क्योंकि यहां पर जो वर्क है वो सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट है, ना कि किस तरह का पाथ आपने चूज किया है बॉडी को मूव करने के लिए। तो इसलिए क्योंकि यहां पर जो वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं है, यानी पाथ इंडिपेंडेंट है, इसीलिए जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। और यही सेम प्रोसेस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी होता है। इसलिए आपका ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और साथ साथ स्प्रिंग का इलास्टिक फोर्स भी इसी आपकी कैटेगरी में आता है कि ये जो तीनों फोर्सेस हैं आपके ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, साथ साथ ही आपके सेंट्रल फोर्सेस भी कहलाते हैं। इसी तरह से कुछ फोर्सेस होते हैं जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो हो गए जहां पर आपका जो वर्क हो वो राउंड ट्रिप पर जीरो नहीं हो, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स में जब आप किसी बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाते हैं तो वहां पर इस बात पे डिपेंडेंसी नहीं होती कि आप उसको वापस ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, यानी यदि आप एक तरफ ले जा रहे हैं तो भी आपको वर्क करना पड़ेगा और वापस ला रहे हैं तो भी आपको वर्क करना पड़ेगा। यानी किसी सरफेस पे, किसी रफ सरफेस पे यदि ब्लॉक को आप लेफ्ट साइड में से राइट साइड ले जाते हैं तो भी आपको कोई वर्क करना पड़ेगा और राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो भी आपको वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन करना पड़ेगा, यानी नेटवर्क कभी भी जीरो नहीं होगा। तो इसलिए जो फ्रिक्शन फोर्स है आपका वो भी आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ऐसे और एग्जांपल है आपका विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स भी आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के पहले कुछ फोर्सेस के और चीजों को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका कॉन्टेक्ट फोर्स। अभी हम लोगों ने जो फोर्सेस देखे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों ही फोर्स आपके नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स थे, यानी फील्ड फोर्स थे, जहां पर ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कॉन्टेक्ट में आने की कोई जरूरत नहीं थी तब भी उनके बीच में एक फोर्स वर्क कर रहा था। अब यदि हम कॉन्टेक्ट फोर्स की बात करें तो यहां पर जब दो बॉडीज जब आपस में कॉन्टेक्ट में आती हैं तभी एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स लगाती हैं, तो ऐसे फोर्स को हम कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। और जब ये दो बॉडीज एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आती हैं तो एक दूसरे पर ये
इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं. तो व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट दे एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर. तो कौन कौन से हैं और किस तरह से हम इनको देखते हैं. तो यहां पर क्या है, जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं या कोई ब्लॉक लें जिसको किसी सरफेस पे हमें रखा हुआ है. तो ये हमारा सरफेस है और इस पर हमने किसी ब्लॉक को रखा हुआ है. तो जो ब्लॉक का वेट है वो वेट W इज इक्वल टू एम जी नीचे की ओर वर्क करेगा. अब ब्लॉक अपने वेट से एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा सरफेस पे और जो सरफेस है वो ब्लॉक पर एक अपोजिट फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स अपवर्ड. इस तरह से ब्लॉक सरफेस पर पुश कर रहा है और जो सरफेस है वो ब्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है. तो ये जो आपका जो रिएक्शन फोर्स है और जो नॉर्मल फोर्स है जो ब्लॉक सरफेस पर लगा रहा है और सरफेस ब्लॉक पर लगा रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स. यहां पर ब्लॉक के द्वारा जो नॉर्मल फोर्स सरफेस पर लगाया जा रहा है और सरफेस द्वारा ब्लॉक पर जो रिएक्शन फोर्स लगाया जा रहा है, ये दोनों ही एक दूसरे के अमाउंट में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है. तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स. ठीक है, अभी कॉन्टेक्ट फोर्स डिपेंड करता है कौन कौन से हैं. जैसे कि एक फ्रिक्शन फोर्स है. अब कहीं कहीं पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता है. तो जैसा अभी हमने एग्जाम्पल देखा तो उस एग्जाम्पल में हमने केवल सरफेस देखा और सरफेस के ऊपर हमने एक ब्लॉक को रख दिया था और यहां पर हमने केवल बॉडी का वेट W लगाया, सरफेस के ऊपर ब्लॉक द्वारा फोर्स नॉर्मल L लगाया और सरफेस के द्वारा ब्लॉक पर फोर्स, वो भी उसको भी नॉर्मल N कह सकते हैं और साथ साथ में रिएक्शन फोर्स R भी कह सकते हैं. तो ये जो फोर्सेस हैं ये आपके कॉन्टेक्ट फोर्सेस हुए और यहां पर अभी हमने फ्रिक्शन फोर्स को एब्सेंट माना है या फ्रिक्शन फोर्स को एग्जिस्ट नहीं माना है. नेक्स्ट देखते हैं कि जब आपका फ्रिक्शन फोर्स भी वर्क करता हो, यानी आपको जो ऑब्जेक्ट रखा हो वो रफ कॉन्टेक्ट फोर्स पर रखा हो और वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करना चाह रहा हो. जैसे कि आपका ये सरफेस है और ये सरफेस रफ है और आपने इसके ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है. अब जो इसका वेट होगा, वेट तो नीचे की ओर वर्क करेगा W. इस सरफेस पे आपका वेट वर्क कर रहा है और ये सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है. ये जो वेट है यही वेट आपके इस यानी जो सरफेस है उसके ऊपर भी एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसको भी हम नॉर्मल फोर्स कहेंगे. तो यहां जो ये दो फोर्सेस हैं, एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है सरफेस और ये नॉर्मल फोर्स लगा रहा है ब्लॉक. तो ब्लॉक लगा रहा है सरफेस के ऊपर, ब्लॉक इज अप्लाइंग फोर्स एन और ये फोर्स किसके इक्वल होगा, उसके वेट के इक्वल होगा ऑन द सरफेस. और सरफेस जो अप्लाई कर रहा है फोर्स, सरफेस इज अप्लाइंग फोर्स, सेम फोर्स सरफेस लगाएगा एन किस पर, ऑन द ब्लॉक. तो इस तरह से ये दोनों ही फोर्स जो हैं एन, ये आपके कॉन्टेक्ट फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं. और जब यहां पर फ्रिक्शन भी होता है तब इसके अलावा फ्रिक्शन फोर्स भी अप्लाई होता है. कि जब ये सपोज कि जो ब्लॉक है आपका वो ब्लॉक आगे की ओर मूव करना चाह रहा है, ब्लॉक आगे की ओर मूव कर रहा है तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. और इस तरह से अब जो कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहे हैं वहां पर फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट हो गया. जो सरफेस है वो ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा और जो ब्लॉक है वो सरफेस पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा. अब डिपेंड करता है कि किसके ऊपर हम फोर्स को देखना चाहते हैं. यदि हम ब्लॉक के ऊपर फोर्स देखना चाहते हैं तो ब्लॉक पर एक फोर्स सरफेस लगा रहा है नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में और एक फोर्स सरफेस लगा रहा है फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो ये दो फोर्सेज आपके ब्लॉक पर लग रहे हैं और साथ साथ उसका खुद का वेट डाउनवर्ड लग रहा है. वहीं यदि हम सरफेस की बात करें तो सरफेस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो ब्लॉक सरफेस पे नॉर्मल फोर्स यानी वेट डाउनवर्ड लगा रहा है और सरफेस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका ब्लॉक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो इस तरह से आपके ये कॉन्टेक्ट फोर्सेस होते हैं जब दो बॉडीज कॉन्टेक्ट में
आती हैं। तो इस तरह से यदि हम ब्लॉक पर देखें कि ब्लॉक पर नेट फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, तो ये ब्लॉक हो गया, ब्लॉक का वेट W नीचे की ओर वर्क कर रहा है, नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर वर्क कर रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट आप आई की ओर ले आ रहे हैं। तो इस प्रकार से दो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट फोर्स लग रहे हैं जब फ्रिक्शन अवेलेबल है, एक आपका नॉर्मल फोर्स अपवर्ड और एक आपका फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड। तो इन दोनों फोर्सेस का एक नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा जो आपका नेट कांस्टेंट नेट कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा आर। तो ये नेट कांटेक्ट फोर्स आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर। इस तरह से जब बॉडी में फ्रिक्शन फोर्स जब कांटेक्ट में उनके बीच में दो बॉडी से कांटेक्ट के बीच में यदि फ्रिक्शन फोर्स होगा तो वहां पर दो कांटेक्ट फोर्सेस हो गए, एक नॉर्मल फोर्स और एक फ्रिक्शन फोर्स, और इन दोनों का रिजल्टेंट नेट कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा आर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हम देखते हैं कि व्हेन फोर्सेस आर बैलेंस, यानी जब किसी दो बॉडीज पर जो भी फोर्सेस लग रहे होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं, यानी नेट फोर्स जीरो होता है। तो नेट फोर्स जीरो होने की दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन कि या तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, यानी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, उसमें इनिशियल वेलोसिटी या जो वेलोसिटी है वो जीरो है, वेलोसिटी जीरो है और साथ साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी ऑलवेज स्टे एट रेस्ट। तो यदि किसी बॉडी पे इफ ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन मल्टीपल फोर्सेस एंड द नेट फोर्स इज जीरो, देन द बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, और वहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगा और बॉडी कैसे है, एट रेस्ट पर है। एक दूसरा केस भी हो सकता है कि जब फोर्सेस लग रहे हों और नेट फोर्स जीरो हो, वो क्या है कि वेलोसिटी जीरो तो नहीं है, बॉडी चल रही है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है, यानी उसमें वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब यदि नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी ऑलवेज स्टे इन मोशन विद सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, यानी किसी चलती हुई बॉडी पर यदि नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। तो ये आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट इफ नेट फोर्स इज जीरो, बॉडी विल रिमेन इन मोशन विद सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन इफ नेट फोर्स इज जीरो, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्सिया, कि जब किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो बॉडी या तो रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगी, या फिर बॉडी मोशन में है तो हमेशा उसी स्पीड और उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। सो दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट, यदि बॉडी रेस्ट पे है तो हमेशा वो रेस्ट में रहेगी, एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन, यदि बॉडी मोशन में है तो हमेशा वो मोशन में रहना चाहेगी विद सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स टू चेंज द स्टेट, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स जो आपस में बैलेंस नहीं हो किसी बॉडी पर नहीं लगाए जाते तब तक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में चलती रहेगी। तो दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसी बेस पे हम देखते हैं इनर्सिया। तो अब बात करते हैं इनर्सिया पे। तो व्हाट इज इनर्सिया? सो द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैन नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कॉल्ड इनर्सिया। यानी किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या अपने यूनिफॉर्म मोशन को जो कि एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग कर रही हो उसको चेंज वो अपने आप नहीं कर सकती कोई बॉडी, इस प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्सिया कहते हैं। दिस इनर्सिया डिपेंड्स ऑन मास, यानी किसी बॉडी का इनर्सिया उसके मास पे डिपेंड करता है। जो हैवियर बॉडी होगी उसका इनर्सिया ज्यादा होगा, जो लाइटर बॉडी होगी उसका इनर्सिया कम होगा। इनर्सिया जैसा कि हमने अभी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में देखा, दो तरह की चीजें होती हैं, या तो बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहना चाहती है तो उसको हम कहते हैं इनर्सिया ऑफ रेस्ट, यानी जब कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उस पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए वो इट दिस बॉडी ऑलवेज रिमेन्स टू रेस्ट।
सो इट इज द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी नॉट टू चेंज बाय इट सेल्फ इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट, यानी किसी बॉडी में जो उसकी इनेबिलिटी है जिसकी वजह से वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकती, दैट इनेबिलिटी इज नोन एज इनर्सिया ऑफ रेस्ट। इसी तरह से इनर्सिया ऑफ मोशन मोशन है, इट इज द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी नॉट टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में यदि चल रही है किसी वेलोसिटी से तो वो बॉडी अपने आप से अपनी वेलोसिटी यानी स्पीड या डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। तो ये जो इनएबिलिटी है किसी बॉडी में अपनी वेलोसिटी और डायरेक्शन को चेंज ना कर पाने की, दैट इज कॉल्ड इनर्सिया ऑफ मोशन। अब एन इक्वल मास टू बॉडीज, वन इज मूविंग एंड अनदर इज एट रेस्ट, पॉजेस इक्वल इनर्सिया। यहां पे ये बताया है कि यदि कोई दो बॉडीज हैं, यदि उनका मास सेम है तो उनका इनर्सिया भी सेम होगा, भले ही उसमें से कोई एक बॉडी रेस्ट पर हो और दूसरी बॉडी मूव कर रही हो। यहां पर एक बात जरूर ध्यान देने की है कि जो बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेटिव नहीं होनी चाहिए। यदि किसी बॉडी की वेलोसिटी मूव करते समय जो उसकी स्पीड है वो लाइट की स्पीड से काफी कम है, उस केस में उसका जो इनर्सिया ऑफ मोशन होगा उतने ही मास की कोई दूसरी बॉडी जो रेस्ट पे है उसका जो इनर्सिया ऑफ रेस्ट होगा वो दोनों ही आपस में इक्वल होंगे। यदि मास इक्वल है तो उन बॉडीज का भले ही वो मोशन में हो और एक बॉडी रेस्ट पे हो दोनों का इनर्सिया आपस में सेम होगा, यानी इनर्सिया ऑफ रेस्ट और इनर्सिया ऑफ मोशन सेम होगा यदि उनके मास सेम है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम यहां पर, बॉल हिटिंग द विंडो पैन ब्रेक्स द होल विंडो। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर एक बॉल है, वो बॉल जब किसी विंडो पैन को हिट करती है तो पूरी की पूरी जो आपकी विंडो पैन है वो ब्रेक हो जाती है। उसका रीजन ये है कि बॉल का साइज बड़ा होता है और साथ साथ में उसकी स्पीड जो होती है वो कम होती है। जब लेस स्पीड से जब वो विंडो पैन से टकराती है तो उसका जो इम्पैक्ट है जो उसका जर्क है उसको स्प्रेड होने का टाइम मिल जाता और इस वजह से जो किनारे का आपका जो बॉल के चारों तरफ का जो ग्लास विंडो है वो इनर्सिया की वजह से ब्रेक हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा फोर्स इसके ऊपर लगता है और वो फोर्स स्प्रेड हो जाता है बॉल के चारों अराउंड चारों तरफ और आपके विंडो को ब्रेक कर देता है। जबकि दूसरा एग्जांपल जो यहां पर लिया हुआ है विंडो जो बुलेट का है कि ए बुलेट मेक्स ए क्लीन होल, यानी जब बुलेट किसी विंडो पैन पे फायर की जाती है तो वहां पर वो पूरे ग्लास को ब्रेक नहीं करती बल्कि केवल एक होल बनाती है। उसका रीजन ये है कि जो बुलेट है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, उसका साइज भी कम होता है। स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से जब बुलेट किसी विंडो पैन से स्ट्राइक करती है तो उसकी जो एनर्जी है वो विंडो को ट्रांसफर नहीं हो पाती और इनर्सिया की वजह से जो उसके किनारे का जितना भी मास होता है वो रिमेन्स एट रेस्ट रहता है, क्योंकि बॉल की जो बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका जो इफेक्ट है जो उसकी एनर्जी है वो जो विंडो के ग्लास को ट्रांसफर नहीं हो पाती और विंडो का ग्लास अपने इनर्सिया की वजह से बना रहता है और सिर्फ उतना ही प्लेस पे होल होता है जितना कि आपके बुलेट का साइज होता है। जबकि ऊपर वाले केस में आपके बॉल की स्पीड बहुत कम होती है, इस वजह से वो अपनी एनर्जी को विंडो पैन को डिलीवर कर देती है चारों तरफ और उस फोर्स की वजह से उस एनर्जी की वजह से उसके आसपास का जो ग्लास होता है वो ब्रेक हो जाता है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है, स्लो मूविंग बस डू नॉट शो एनी जर्क व्हाइल फास्ट मूविंग बस शोज। उसका रीजन ये है कि जब हम किसी बस में बैठते हैं और वो स्लो स्पीड से चल रही होती है तो वहां पर जो जर्क होते हैं उनको स्प्रेड होने का टाइम मिल जाता है और हमको जर्क फील नहीं होता, लेकिन जब फास्ट मूविंग बस होती है तो वहां पर जर्क जो हमको मिलते हैं वो हाई स्पीड से मिलते हैं, उनको स्प्रेड होने में उसकी एनर्जी को डिस्पर्स होने में टाइम कम मिल पाता और इसीलिए हमको जर्क वहां पर फील होते हैं। ऐसे दूसरा एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है जिसको कि हम थ्रेड से ऊपर हमने बांध रखा हुआ है और एक दूसरे थ्रेड से हम इसको नीचे की ओर पुल करते हैं। यदि हम इसको जर्क करके पुल करते हैं, सडन जर्क मारते हैं,
तो नीचे वाला जो थ्रेड है यही आपका ब्रेक होता है, ऊपर वाला थ्रेड जो सी है वो ब्रेक नहीं होता। उसका रीजन ये है कि इनर्सिया की वजह से जो हमारा ब्लॉक है वो अपने ही जगह पर बना रह जाता और सडन जर्क की वजह से हमारी जो एनर्जी है वो ट्रांसफर नहीं हो पाती। लेकिन इसको यदि हम स्लोली स्लोली इसको हम पुल करें नीचे की ओर तो हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती है और फिर ऊपर वाली थ्रेड आपका ब्रेक हो जाता है। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से हम लोग ये पाते हैं कि जो इनर्सिया ऑफ रेस्ट और ये इनर्सिया ऑफ मोशन किस तरह से वर्क करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम पे फिर मिलेंगे। टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय।